नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम विद्या चैनल, चैनल नंबर 9 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स पार्ट 1। तो सर्कल्स पे हम बात करने वाले हैं और आपको विस्तार से जानकारी देंगी हमारी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, आप सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं कैंपियन स्कूल भोपाल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेणु, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैम आपको बताएंगी सर्कल्स के बारे में। बच्चों कोई भी क्वेरी आपके मन में आए या फिर कुछ जानना चाहते हैं आप, या फिर आप कहीं पर अटक गए हैं तो आपसे वो बात चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे बेझिझक जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपनी बात सीधे शेयर कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर भी आप हमारे सारे प्रोग्राम्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पर मैम अपना ये सेशन शुरू करते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे सर्कल्स के बारे में क्या कुछ खास है आज के इस सेशन में। मैम आप हमारे सभी बच्चों को बताइए। चल तो पहले तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन सर्कल का, सर्कल कैसे हम डिफाइन करते हैं। सर्कल का डेफिनेशन, प्रॉपर सर्कल जो गोल सर्कल हम बनाते हैं छोटे छोटे क्लास में चूड़ी और ये वो तो ठीक है, वो दैट इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, बट उसको प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। अब 9th क्लास में आगे उसका प्रॉपर डेफिनेशन हमें। सर्कल का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक आप फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड करेंगे अपन एंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड फिक्स्ड डिस्टेंस ओपी, फिक्स्ड डिस्टेंस ओपी इसको। तो अगर हमने ऐसे जो भी पॉइंट्स है इस प्लेन में, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं विच विल बी एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओ से आर, इसका डिस्टेंस ओ से आर। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट्स लेंगे हम उस चारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो शेप मिलेगा, कर्व मिलेगा, क्लोज्ड रीजन मिलेगा, दैट इज नोन एज अ सर्कल। ठीक है, नाउ एक छोटा सा एक दिखा देते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक सेकेंड। नाउ इसमें हम देखते हैं, देखिए हमें कम सर्कल बनाने के लिए कंपास यूज करना पड़ता है। दिस इज अ कंपास और इस कंपास में ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, यहाँ ये पॉइंटर ऑफ द कंपास है, ये पेंसिल का पॉइंटर है। ये जो लेंथ है दिस इज एक्चुअली द रेडियस, दैट इज। अब हम देखेंगे ये जो पॉइंट है, पॉइंटर का पॉइंट है, ये फिक्स हो जाएगा और क्या मूव करेगा आप देख के बताइए, क्या मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है मैम? पेंसिल, पेंसिल का पॉइंट एंड पॉइंट, दैट्स इट, पेंसिल मूव कर रहा है। तो पेंसिल के साथ क्या पॉइंट, क्या मूव हो रहा है, एक्चुअली पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, उसको हम ट्रेस करते जा रहे हैं, हम जॉइन करते जा रहे हैं। बट कंपास का जो एंड है, ये जो एंड है ये तो फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा, हम वही पेंसिल को शेप चेंज करते जा रहे हैं। तो यू आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम ट्रेस करते जाएंगे तो व्हाट शेप आर वी गेटिंग इज नोन एज द सर्कल। तो ये जो शेप बना है दैट इज नोन एज अ सर्कल, इस शेप को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंटर का, ये इसको बोलते हैं सेंटर। अब ये जो लाइन, दिस इज स्केल, स्केल में आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड पॉइंट से जा रहा है। सो नाउ अगर मैंने एक लाइन बनाया, एक लाइन सेगमेंट बनाया है जॉइनिंग अ पॉइंट व्हिच इज देयर ऑन द सर्कल, ये पॉइंट मैं सर्कल पर ले लेती हूँ और ये फिक्स पॉइंट, तो इन दोनों को जॉइन करते हुए अगर मैं लाइन बनाती हूँ, देखिए क्या बन रहा है, व्हाट इज दैट आई एम गेटिंग, ये जो लाइन बन रहा है दिस इज नोन एज द रेडियस। इस लाइन को बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेडियस, अगर इसका एंड पॉइंट सर्कल पे है और एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल एज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द सर्कल। अब सर्कल में हमने क्या देखा, वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज नोन एज सेंटर एंड अ फिक्स्ड डिस्टेंस व्हिच इज नोन एज द रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
Now we move to the next. The circle divides a plane on which it lies. ये circle इस plane में है, इसको three parts में divide करता है. देखिए, एक part जो है, this is interior, इसको बोलते हैं interior of the circle. This is on the boundary. देखो boundary इस पर on the curve which is on the boundary, which is also known as circumference of the circle. And एक है outside the circle, इसको बाहर, so that is exterior of the circle. So the circle divides a plane into three parts. One is inside of the circle, outside of the circle, और एक boundary. ठीक है? अब हमारे पास इस topic में before we start anything, we'll have to know certain elements of that, certain terms related to this. तो circle में और क्या-क्या terms, circle से और कौन-कौन से terms connected हैं? That is, we have chord. एक term है chord. Chord किसको बोलते हैं? आपके पास ये circle दिख रहा है आपको? रेनू जी ये circle दिख रहा है? जी मैम. I have given two points. One point is R and the other point is S. R and S कहाँ हैं ये दोनों points? Where are these two points? Ma'am? They are on the circle. On the circle. Boundary. Circle के boundary में. Right. अब उसको join करते हुए एक line segment जब बनाया गया, ये R और S को join करते हुए ये line segment जो दिख रहा है आपको, इस line segment को बोलते हैं chord. ठीक है? तो इस तरह से आप कितने chords बना सकते हैं? आप ये एक line segment join, ये बन गया एक chord. है ना? That one chord. ऐसे दूसरा एक और भी chords बना सकते हैं हम. ये देखिए, ये भी बन रहा है. इसको extend करने से, this is to be extended. मैं ऐसे ही rough बना लेती हूँ. Sure ma'am. ये एक और chord बन गया है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सारे chords बना सकते हैं. आपके पास कितने points हैं? There are many points on this boundary. आप कितने भी point, कुछ भी मार करिए, एक point बन जाता है. दो ही तो पॉइंट यूज करना हमें कॉर्ड बनाने के लिए. तो वी कैन हैव इनफाइनाइट सच कॉर्ड्स. ठीक है? अब इनफाइनाइट सच कॉर्ड्स से आपको एक और कॉर्ड दिख रहा है, आपको ए एंड बी दो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको सर्कल पे. जी. पर ये पॉइंट्स किससे पास हो रहा है? ये लाइन सेगमेंट किसके थ्रू पास हो रहा है? देखिए कहां से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. ये जो कॉर्ड है ए बी, ए बी जो कॉर्ड है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. So, आपको दिखेगा कि AB will be the longest chord. सबसे बड़ा chord is AB. अब इस AB में आप देखिए, आपको O दिख रहा है center, और अभी हमने define किया यहाँ पे OP, OB. What is OB? That is the radius of the circle. What is OA? That's the radius of the circle. So, आपको क्या दिख रहा है length AB का? AB the longest chord, इसका length क्या दिख रहा है आपको? Isn't it twice the radius? O the midpoint of AB, therefore D the diameter is nothing but twice the radius. So एक relation आपको दिख गया यहाँ पर. तो हमने कौन-कौन से words देखे? Chord देखा है, diameter देखा है. Diameter और radius का relation ये है कि diameter का जो length रहेगा, वो radius का twice रहेगा. ठीक है? Next element है, that is arc of a circle. Now what is that arc of a circle? Part on the circle joining any two points. हमने अभी बनाया था line segment joining two points. मैंने line से इन दोनों को join करते हुए एक line बनाया था. अब we are taking up a part which is on the circle. Part on the circle मतलब कहाँ पे होगा वो? वो होगा boundary पे. It is on the boundary. ये जो region दिख रहा है ना? ये region, this region that we have. ये जो region on the green line part, ये जो different green part पे मैंने red marks dots डाल दिए हैं. जी मैम. This is known as an arc of a circle. अब ये जो points है, two points L and M हैं, ये this is anywhere on the circle. अब आप length देखिए arc का, L N M. L N M इसलिए बता रहे क्योंकि ये एक arc है L M. It is passing through, going through the point M. तो आपको इस arc का length और इस आर्क का लेंथ में डिफरेंस दिख रहा है. ये एक दूसरा आर्क भी हो सकता है. जब मैं आर्क एलएम बोलूंगी तो एलएम जो आर्क है इट कैन बी थ्रू दिस पॉइंट एम और थ्रू द पॉइंट आर. दोनों में लेंथ में डिफरेंस दिख रहा है. एक छोटा लेंथ दिख रहा है सो माइनर आर्क,
एक बड़ा लेंथ दिख रहा है, दैट्स द मेजर आर्क, दैट्स इट. सो दैट्स अनदर टर्म दैट वी हैव, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम. नेक्स्ट टर्म जो है वो दैट इज नोन एज सेगमेंट. हमें ये सारे टर्म्स से थरो होना चाहिए. क्या है कॉर्ड, क्या है सेगमेंट, क्या है आर्क, ये सारे चीज से थरो होना चाहिए, तभी हम आगे चैप्टर में जा सकते. तो टुडे वी विल एक्चुअली बी डिस्कसिंग अबाउट दीस पॉइंट्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, एक सर्कल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है. नाउ द सेगमेंट, द रीजन दैट इज एनक्लोज्ड बाय अस आर्क. आर्क मीन्स ये वाला पार्ट PQ और ये वाला पार्ट. तो देर आर टू पार्ट्स, एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट. आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, देखिए एक कॉर्ड है और एक सर्कल का पार्ट है. तो देखिए सर्कल, ये जो ब्लू रीजन है, दिस इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. दिस पार्ट इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो ऐसे ही एक सेगमेंट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दिख रहा है, ये भी तो एक सेगमेंट है ना. दिस इज ऑल द सेगमेंट. द डिफरेंस इज दोनों का रीजन में डिफरेंस दिख रहा है, एरिया में डिफरेंस दिख रहा है. एक छोटा रीजन है, एक बड़ा रीजन. तो छोटा रीजन को एज यूजुअल द टर्म इज माइनर से, बड़ा रीजन का टर्म इज मेजर से, दैट्स इट. ठीक है, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस मैम. तो दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अब सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, दो रेडियस एंड द पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल. दिस इज नोन एज अ सेक्टर. अगेन व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? The circle is divided into two region. एक छोटा region दिख रहा है, एक बड़ा region दिख रहा है. So, छोटा region का नाम होगा minor sector, बड़ा region का part होगा नाम होगा major sector. So, जो हमने elements पढ़े हैं, chord, radius, diameter, chord, arc, segment, sector, ये सारे चीजों से हमें बिल्कुल clear होना चाहिए. तो इसी के basis पे मैंने ये बार और कम लिखा है. तो देखिए, ये एक circle है, इसमें OP क्या है? O से लेके P तक, that is O is the center of the circle. ठीक है? And P is any point of the circle. So what will this OP be known as? The radius of the circle. It is the radius. QOM, Q and M, they are on the circles. So this will be a chord of a circle. QM is known as a chord of a circle. CD, that's a chord of a circle. यहाँ पे देखिए C and D two points on the circle, so that's known as a chord of a circle. But ये जो chord है, it is passing through the center, so it is known as the diameter. ठीक है? Now LMN, arc. इसकी पर ये एक representation. इसका meaning है कि हम we are talking about the arc. We are not talking about the line segment. जब भी हम ऐसा लिखते हैं LM, तो इसका actual meaning होता है line joining L and M. बट हमें ये वाला रीजन बताना है, इसलिए हमें उसको आर्क, उसके ऊपर एक आर्क फॉर्म बना देते हैं, विच सेज दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग द कॉर्ड बट द आर्क ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो अगेन आर्क माइनर भी हो सकता है मेजर. सो LNM इज द माइनर आर्क, LRM इज द मेजर आर्क. एंड देन वी हैव द सेगमेंट. सेगमेंट इज अ लाइन रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल. ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये हो गया मेजर से. एंड द लास्ट थिंग वी हैड द रेडिया बिटवीन टू रेडिया एंड आर्क, जो रीजन है उसको सेक्टर बोलते हैं. एंड सेक्टर अगेन डिवाइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइनर एंड मेजर. तो ये अगर एलिमेंट्स क्लियर है, तो लेट अस टेक अप द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक वेयर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस अगर हम करेंगे, क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हम इस चैप्टर के एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, सो स्टार्ट विथ The center of a circle lies in the dash of the circle. अब बताइए, देखिए center of the circle lies in the, कहाँ पे है? It is, there are two options, exterior या interior. कहाँ है center? Interior. Yes, interior, exactly. Very good. It's in the interior. ठीक है? ये तो option दिया हुआ था, हमें options से clear हो गया. Now next, a point whose distance from the center of a circle is greater than the radius. एक point है, इसका distance center से, आप उसका distance center से देखिए, center से देखने के मतलब यहाँ से, इसका distance जो है radius से ज़्यादा है. तो radius से ज़्यादा तो कहाँ होगा वो point?
पॉइंट बताइए, बाहर आ गया ना, बाहर जी, एक्सटीरियर, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव, ये पॉइंट है अपना वाई, ये पॉइंट वाई कहां पे, वेयर इज इट, इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, बाहर होगा क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विल हैव इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू द रेडियस, अगर रेडियस से बड़ा है तो ऑब्वियसली, अच्छा ऑपोजिट मैं पूछ रही हूँ, इफ इट्स डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस क्या होगा, वेयर विल इट बी, लेस देन रेडियस, रेडियस तक नहीं जा रहा है मैम, इनसाइड द सर्कल, अंदर ही रहेगा, इनसाइड द सर्कल, it will be inside the circle, हमने बताया ना एक सर्कल divides the region into three parts, one is on the circle, other one is inside the circle, third one is outside the circle, so you have this answer, ठीक है, now the longest chord of a circle, longest chord क्या है अपना, with the diameter, it's the diameter of the circle, it's a diameter, now an arc is a, what is arc, arc is a dash when its ends are ends of a diameter. अब आप देखिए, a this QOM is a diameter, ठीक है? जैसे ये देखिए, CD is the chord of a circle. तो अगर हमने इस arc के बारे में discuss करना है, तो what is known about this arc? ये arc का जो length है, ये length arc length से छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं minor arc, ठीक है? अब हमने एंड पॉइंट जो है डायमीटर है, इसकी हुआ तो आर्क कौन सा बना अपना, ये बना ना, ये वाला कर्सर दिख रहा है आपको, पॉइंटर दिख रहा है आपको, पास ऑन कर रहा है सर्कल के ऊपर से, सर्कल के रीजन पे पास कर रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नो मैम, आप एक बार फिर से दोबारा कीजिए प्लीज, सॉरी, देन ये देखिए, ये देखिए मैं मार्क करते जा रही हूँ, अब दिख रहा है सर्कल के ऊपर? नो मैम, हम अभी भी नहीं देख पा रहे, ये देखिए, ये कर्सर दिख रहा है, हेलो कर्सर दिख रहा है ना आपको? जी मैम जी, है ना, तो ये कर्सर का पॉइंटर देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये रेड 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 पार्ट पे जा रहा है ना जी, ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट, तो अब देखते हैं उस पर रेड और कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ये रेड दिख रहा है आपको? जी मैम, सो अगर हमारा आर्क जो है ये पॉइंट से, दैट इज क्यू पॉइंट से लेके यहाँ से लिखते हुए हम यहाँ पे आते हैं आर्म एम तक, तो क्या दिख रहा है आपको, आपको वो लेंथ सेम दिख रहा है ना इस वाले पार्ट ऑफ द सर्कल से, दोनों का लेंथ सेम दिख रहा है, आपको एक छोटा बड़ा दिख रहा है क्या? नो मैम, ये भी तो एक आर्क है और दिस इज अनदर आर्क, ये दोनों आर्क के लेंथ में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? नो मैम, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का लेंथ क्या हुआ, सेम है, सेम है, तो लेंथ सेम हुआ तो एक्चुअली वो सर्कल का जितना भी सर्कमफेरेंस है उसका आधा हुआ, सो व्हाट इज दैट नोन एज, तो वो बन जाता है एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनेगा, सेमी, राइट, सर्कल, इट इज नोन एज, तब उस आर्क को बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड सेगमेंट, किसको बोलते हैं, आर्क और इसको सेगमेंट बोलते हैं, तो ये जो सेगमेंट किससे बन रहा है, इट इज बिटवीन आर्क, आर्क ये जो है एंड कॉर्ड, इससे बन रहा है cord, very good, so it's made the, between the arc and the cord, ठीक है? Now we move on to the next, a circle divides a plane in which it lies into, कितने parts में divide कर रहा है circle, जब पिछला इसमें बताया था मैंने, into how many parts it is dividing, three parts है ना, interior of a circle, exterior of a circle and on the circle, इस तरह से three parts है, ठीक है? So now let's take up another part that is true and false. अब इसके लिए भी मैंने फिगर सेम रिपीट किया है ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए जी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज व्हाट इज इट नोन एज, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सही है क्या? सेंटर, सेंटर, सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर ओ दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा है, ओ टू एनी पॉइंट, इसको रेडियस ही बोलते हैं ना,
जी मैम, क्या हुआ ये, क्या स्टेटमेंट हुआ, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अब आप बताइए कोई भी सर्कल में कॉर्ड्स किसको बोलते हैं, कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते, हमने ये वाला एक पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ऐसे कॉर्ड्स जो है विच हैव इक्वल लेंथ वो फाइनाइट होंगे बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फाइनाइट मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा, हम तो इनफाइनाइट बना सकते हैं ना, कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स नो, एक भी कॉर्ड हो सकते हैं क्या, हम बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं विच हैज सेम लेंथ, आप किसको इससे ज्वाइन करके इसको इससे ज्वाइन करिए, ये आप देख सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको नंबरिंग किया, ये टास्क कर सकते हैं, नंबरिंग किया इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके नंबर करते, तो अगर हमने एक एक्टिविटी किया जिससे हम कॉर्ड्स बना रहे हैं, कॉर्ड्स बना रहे हैं मतलब हम यहाँ पे नेम्स लगा देते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, एक स्ट्रिंग एक पैग यूज करते हैं कि 1 पे और एक 3 पे, 1 और 3 को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रिंग हो गया, 2 और 4 को कनेक्ट करते हुए एक हो गया, 3 और 5 को ज्वाइन करते हुए एक हो गया। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या ये पॉइंट्स फाइनाइट है क्या, फाइनाइट पॉइंट तो है नहीं। वैसे मैंने 1 और 3 लिया, वैसे 1 और 4 ज्वाइन करते हुए कर सकते हैं, 2 और 5 ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट वी फाइंड इज देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉर्ड्स। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, फाइनाइट नहीं है, बहुत सारे बना सकते। जी मैम, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 मिनट का समय और शेष है सत्र के लिए। मैम अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो विल इट बी नोन एज मेजर। मेजर माइनर हम कब डिफाइन करते हैं, मेजर माइनर हम कंपेयर करते तो डिफाइन करते हैं, एक छोटा एक बड़ा, इसलिए बोलते हो अभी 3 इक्वल पार्ट्स है, 3 इक्वल पार्ट्स मतलब तीनों का पार्ट इक्वल है, तो किसको मेजर बोलेंगे किसको माइनर बोलेंगे, so that is not the thing, that is it is again a false statement, fine। a chord of a circle which is twice the long as long as radius, ye humne do teen baar kiya hai, a chord of a circle which is twice, agar aapne twice kar diya isko, that is known as the right answer, so this is a true statement। a sector is the region between the chord and its corresponding arc, is the sector between chord and arc, no it is the, what is it known as, it is the segment, it is not a sector, it is a segment, so it's again a false statement। the circle is a plane figure, hai plane figure, it's on the plane, we draw it on the plane, so it is known as a plane। so these were the elements that was made clear through the first exercise, aur acche se exercise mein ye questions dalne ke karan we have got the idea of all the elements, theek hai। ab ek jaldi se dekh lete hain, equal chords of a circle subtends equal angles at the center। इक्वल कॉर्ड ये दिया गया है कि कॉर्ड सी डी जो है, सी डी एंड ए बी आर इक्वल, ये दिया हुआ है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड जो है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इज एन पॉइंट्स को हमने ओरिजिन सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज द एंगल, सी ओ डी इज द एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी जो है वो है एंगल ए ओ बी, उसका एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर पे जॉइन किया तो ये एंगल, सो दिस इज वन एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी इज अनदर एंगल, ठीक है। सो हाउ विल यू प्रूव दैट द एंगल्स दे आर इक्वल, सो वी विल कंसीडर द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, हमें दिया हुआ इज इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू प्रूव दैट इक्वल। याद करके देखिए एक चैप्टर था हमारे पास ट्रायंगल्स, हमने कैसे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स को इक्वल किया है थ्रू कॉन्ग्रुएंस, हम वापस कॉन्ग्रुएंस ले आएंगे, हमें वो इंफॉर्मेशन ढूंढना है जिससे कि वी कैन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने AOB ट्रायंगल COD लिया है, वी गेट OA इक्वल टू OC, OA एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, OC दूसरे साइड ट्रायंगल का साइड है, तो दोनों इक्वल है, लाइकवाइज OB, OB इज वन साइड एंड OD इज अनदर साइड, सो दैट इज आल्सो इक्वल। व्हाई आर दे इक्वल, दे आर इक्वल बिकॉज़ दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो रेडियस मतलब प्लूरल हो गया, सो दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, right, the information is AB is equal to CD, that is given, so don't we have this condition that is SSS, तीनों sides अगर triangle के equal होते हैं तो वो triangle congruent होता है, and that is SSS, so therefore
it's because of that property that the remaining elements will also be equal. Hmm. So the angle AOB will be equal to COB. Right. इसी को देखें. मैम बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे मैम, वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, हम इसको आगे नहीं ले जा पाएंगे मैम. जी मैम. एंगल्स सबटेंडेड बाय बिकॉज ऑफ अ सर्कल आर एट द सेंटर आर इक्वल. मान लो एंगल COD एंड एंगल AOB दे आर इक्वल, देन द करेस्पोंडिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. इसका कन्वर्स है, इसका उल्टा है. तो आप उनका प्रूफ कर लीजिए. सेम चीज, सेम कंसिडरेशन, ट्राइंगल AOB एंड COD ले लेंगे हम. CO इज इक्वल टू AO. फर्स्ट कंडीशन को हम सेम रखेंगे. थर्ड कंडीशन यहाँ पे ले आएंगे हम, एंगल एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. COD इससे क्या होगा, दो साइड्स एंड एक एंगल हो गया. द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. That is through SAS. हमारे पास this is given to us. It is given to us. So therefore, this implies the side that is AB will be equal to CD. So we have equal chords, equal angle बनाएगा. Right. Equal angles बन रहे हैं at center. Then the two chords are also having equal. जी मैम. Right. With that, we have come to an end of this session. Ma'am, thank you so very much. Meena ma'am, आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे तरीके से circles पर हमारे सभी बच्चों को जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद ma'am. Thank you. और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि आप बने रहिए PMA Vidya चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद हम अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ आएंगे जो कि सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पार्ट 1. आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत. नमस्कार.